पता नहीं मेरे लिए बच्ची आप फरिश्ता बन के अल्लाह करेगा इन परेशान ना होगा तो बहुत सद के मेरे बच्चों का भी खोले जब मेरे पास आते है रिश्ते वाले आते हैं जो आगे से कुछ हाल नहीं देती वो भाग जाते हैं मैं ये कहती हूँ पता नहीं मेरे लिए आप फरिश्ता बन के आई है की अल्लाह मेरे ऊपर कर्म क्या नाम है आपका सलमा 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 बहन सुबह से गई हुई थी आप आटा लेने गई आटा थी। लेने के लिए कितने चक्कर लगा लगा हाँ। लगा के तंग हो के आखिर अब जाके मिला सुबह की वो भी भूखी हाय अल्लाह और इतने शनाख्ती कार्ड लेके जाती एक दफा कहते अब ये भी नहीं लगता ये भी नहीं लगता ये भी नहीं लगता अब हाँ। जाके बड़ी मुश्किलों से मिला बच्चे सुबह से भूखे थे अच्छा वो फिर उसको उनको आप शनाख्ती कार्ड दिखाती हैं तो वो फिर कुछ पैसे वगैरह लेते हैं या ऐसे दे देते हैं आटा पैसे लेते हैं अच्छा ऐसे नहीं देते हाँ। कितने पैस... पैसे लेते हैं बारह सौ रूपए कभी कहते कभी चौदह सौ कभी साढ़े छह सौ यू अच्छा फिर कितने दिए हैं पैसे मैंने चौदह सौ रूपया चौदह भी लिया और फिर जाके आटा दिया अच्छा ये देखें ये शिनाख्ती कार्ड लेके मुझे रास्ते में मिली थी बहन सरकारी आटा इन्होंने उठाया हुआ था और बता रही हैं कि तीन चार चक्कर लगा चुकी हूँ फिर जाके आटा मिला है और वो भी पैसों से बस ये है कि थोड़ी कम कीमत पे मिल जाता है वैसे जो है वो आटा महंगा है इनके घर के हालात ये हैं ये बता रही हैं कि सुबह से बच्चे और मैं भूखी हूँ अब जाके आटा लेके आई हूँ और बच्ची ने वो पकड़े हुए हैं टमाटर मिर्चें बेटा दिखाओ वो भी गिर गए हैं नीचे बुशरा क्या बना रही हैं? बस ये वो आंडा बनाना जब कोई मिर्चे तड़का लेनी मिर्चे तड़का लेंगे कितने बच्चे हैं आपके चार बच्चे हैं। पांच बच्चे हैं एक शादी के लायक हुई, हुई, हुई दूसरी भी जवान हाँ, समझ ले हाँ, एक बेटा है, चार बेटिया अच्छा पहले मैं लोगों के घर में काम करती रहेगी हाँ, अब जाके बीमार खुद हो गई फालज की मरीज होगी तो आटा नहीं उठाया जा रहा था उठाया जा रहा था न बाजू एक काम करता है ये वाला बाजू काम नहीं करता सज्जे पास हुआ सज्जी टांग भी सज्जा बाजू भी तो प्यारी बहन आप चार पाँच छह लोग है तो एक अंडे से गुजारा हो जाएगा जैसे करना पड़ता है कभी नहीं भी मिलता अंडा भी नहीं मिलता भी बच्चों को खिलानी पड़ती है पानी के साथ जो सा मेरा घर वाला वो और वो भी कभी ले कभी देता भी नहीं करता जिम्मेदारी नहीं लेता नहीं कि बच्चे है माँ तो फिर माँ होती है माँ कुछ भी करे अपने बच्चों को पेट पालने के लिए बड़ी कोशिश करती है ये इनकी चार पाइया देखे आप ये चारपाइयाँ हैं और वो बिस्तर के हालात देखें वो बिस्तर पड़े हुए हैं इनके जिस तरह ये बहन जिंदगी गुजार रही है पहले लोगों के घरों में काम करती थी तो अच्छा गुजारा हो रहा था और नहीं तो कम से कम खाना पीना हो जाता था ये इनका किचन है जहाँ पे ये खाना वगैरह बनाती हैं अभी ये आटा लेके आई हैं अभी खाना वगैरह बनाएंगी हाँ जी गुड़िया क्या खाने में पसंद है आपको क्या खाते हो बोल न क्या खाते हो बताओ मुझे मैं लेके आऊंगी क्या खाते हो बोल <laughs> नहीं बोल। अच्छा कब कर रही हैं आप अपनी बेटी की शादी मैंने बेटे की शादी करनी है दूसरे महीने मकान बनाने लगे मकान से फारिक हुई तो अब सोच रहा था तो दूसरा सा, तीसरा साल है फाली हाँ अब काम नहीं कर सकती पहले लोगों के घरों में पहले काम घरों लोग अपना मकान बनाया मकान अपना बनाया, अपना बनाया और कर्जे निकलवा बैंकों वाले भी दूसरे भी हाँ। उनकी इमदाद से ये अब मकान जाके अब बनाए वो भी अब मैं खुद बीमार होगी जब की फालू जब मेरे से काम नहीं होता हाँ। वो कभी आ जाती कुछ तरस कभी कर जाती रोजाना कौन देता रोजाना कोई नहीं देता सही के है जिनके घर में काम ना करने जाऊंगी वो कौन देता हाँ। है जाहिर है है आपने मा... फिर चेक करवाया अपना इलाज का कोशिश की है हॉस्पिटल से भी करवाया लेकिन फर्क नहीं पड़ता वो कहते बिजली के झटके लगवाने थे उस वक्त फौरी तौर पर कुछ करवाया नहीं है अब जाके अब कुछ नहीं हो सकता कुछ नहीं हो सकता तो फिर खाना वगैरह घर का काम वगैरह बच्चियाँ करती हैं बच्चिया करते हैं खुद जो होता है मैं खुद भी करती हूँ वो भी अब लोगों के घरों में काम पे जाती है बच्चियों को बच्चीयों, लोगों के घरों में हाँ, काम पे ऐसे रोटी नहीं पका सकते ना खा सकते वो सुबह से जाती है शाम को आती है हाँ, कोई पाँच हजार देती है कोई चार हजार दे देती हैं बस यूं ही खड़ी हुई हैं है बच्चिया उसी में गुजारा और उसी में ये जो सा घर वाला मेरा यूं आवारा वर्दी में रहता है जा कभी बेच देता है जब फिर आ तो ही जाए तो जरा कमाने नहीं जाता हाँ। कमाने चला जाए तो कहता है कमा के लिए औरतें रखता है नशे भी पीता है ये देखिए आप एक पहले इनकी शादी हुई थी उसमें से चार बच्चे हैं जो के पीछे हैं नानी के पास यहाँ शादी हुई यहाँ भी इनके चार बच्चे हैं अब ये आठ बच्चों की माँ हैं बच्चियों की शादी करनी है लेकिन पहले कुछ भी नहीं है कि बच्ची को रुखसत कर सकें और आजकल का जो ज़माना और दौर चल रहा है बिना जहेज़ के बच्ची को रुखत नहीं किया जा सकता इनकी दो जवान बेटियाँ हैं जो लोगों के घरों में काम करती हैं एक बच्ची को चार हज़ार मिलता है एक बच्ची को पाँच हज़ार मिलता है इस तरह इनके घर का गुजारा हो रहा है वो काम करने के बावजूद भी इनके घर में कभी खाना बनता है कभी नहीं बनता जैसे आज सुबह से नहीं बना और ये सुबह से भूखी हैं अभी ये थोड़े से टमाटर और मिर्चें लेके आई हैं मेरी इन पे रास्ते में नज़र पड़ी थी इन्होंने आटा उठाया हुआ था और सब्ज़ी वाली दुकान से ये थोड़ा सा सामान ले रही थी जिसको देख के अंदाज़ा हो जाता है कि बंदे के जो हालात हैं वो किस तरह के हैं फिलहाल इनके लिए लेके आते हैं आटा राशन देते हैं इनको ताकि इनके कुछ दिन तो जो है वो आसानी से गुजरे इनशा कोशिश करेंगे कि इनकी हम बच्ची की जो है शादी करवा सके ताला आपने नमाज पढ़ के दुआ करनी है अल्लाह ताला बेहतर पैदा करें सब पैदा करे मैं नमाज पढ़ती हूँ बेटा दुआ सबके लिए मांगती हूँ बाद में तो दे, दे। कि पेट तो दोबारा भर जाए सही बात है मेरे घर वाले को अल्लाह तब के बच्चों को हदायत दे मेरे घर वाले को भी हदायत दे मैं किसी की मुथाज ना ये मुथाजी मुथाजी बहुत, बुरी है सही बात चार पे जब पड़ी रहती रोती भी रहती हूँ हाँ। और दुआएं भी मांगती रहती हूँ सबके लिए एक मेरी बच्ची अभी धक्के खा रही है मैं दूसरे बच्चे अपने धक्कों को ना खिला यही दुआ मांगती अल्लाह ताला सबके बच्चों को नसीब खोले उनके सद के मेरे बच्चों का भी खोले आमीन, जब मेरे पास आते रिश्ते वाले आते हैं, आगे से कुछ हाल नहीं देती वो भाग जाते रिश्ता जाके अब मेरी बच्ची की पच्चीस साल उम्र है अभी तक उसकी शादी नहीं हुई ये रिश्तों के मारे अब जाके कहीं एक रिश्ता बना उन्होंने कहा तुमने कुछ न कुछ देना है मैंने यही अपील किया अल्लाह तुझे अपने दर ऐसी ही देना पता नहीं आप मेरे लिए वसीला बन के अल्लाह तला आपकी भी कुछ तंदरुस्ती दे आपको इतना दे के किसी का मुथाज नगर अल्लाह सब सबको दे उनके तफेल आपको भी सुम्मा, मैं ये कहती हूँ पता नहीं मेरे लिए आप फरिश्ता बन के आई है अल्लाह अल्लाह मेरे ऊपर करम कर दे कोई पता नहीं मैं बच्ची के लिए बहुत परेशान थी अल्लाह ताला मेरी बच्ची धक्के खा रही अल्लाह पाक आसानी करेगा इनशा कोशिश करेंगे मिलजुल जिस तरह और बच्चियों की हमने शादी करवाई है इस माँ की बच्ची का भी फर्ज अदा कर सकें ताकि इनकी कुछ परेशानी कम हो इन राशन लेने जा रही हूँ राशन लेके आती हूँ ले वो बना दीजिएगा बच्चों को ठीक बड़ी है महर्बानी, बड़ी महर्बानी, हाँ। ये मेरा बच्चा है और फिर भी इसका इलाज भी नहीं करा सकता कौन सा ये क्या नाम है बेटा सलमान सलमान बेटा पढ़ते हो नहीं पढ़ते फिर बस हालात की वजह से ये बेचारा ये भी बेचारा लोगों के घरों में था अब इसे निकाला जबकि ये बकरियां लेके दिए हाँ। ये हमारी नहीं है किसी की है अधवाड़े पे आई हुई हाँ। है वो कहते है अगर तुमने पैसे लेने तो महीना ले लो अगर हाँ। इनके फल लेने तो फल लो मैंने कहा मुझे महीना दिया करो मुझे अब पंद्रह सौ दे देते हैं या हजार दे देते मेरा बच्चा पट्टे मेरा बच्चा लेके आ

चलिए अब आप गोश्त बनाएं और बच्चों को खिलाएं ठीक है ठीक है बनाए बनाए ख्याल से बनाए मैं राशन रख लू अच्छा, क्या हाँ दोस्त दोस्त ले आए हैं अब दोस्त पका के खा लो क्या दाल दाल नहीं गोश्त बन रहा है ठीक है प्यारी बहन अपना ख्याल रखिएगा इंशाल्लाह कोशिश करेंगे जल्द आपकी बच्ची का फर्ज अदा कर सकें मैं शुक्र गुजार हूँ अपने देखने वाले बहन भाइयों की जिनके तामन से हम यहाँ तक पहुँचते हैं अल्लाह पाक का शुक्र अदा करते हैं इस बहन के लिए राशन लेके आए हैं अल्लाह पाक इसमें बरकत डाले बहुत शुक्रिया खुश रहें खुशियां बांटें अल्लाह हवाले दोस्त हाँ आज गोस्त पकड़ा पे गोस्त हाँ ठीक है तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो खुद कुरान सीखे और दूसरों को सिखाएन थ्रू स्कैपर दर्ल्ड टाइम एंड डे एट योर ऑन चॉइस हाईली क्वालिफाइड मेल एंड फीमेल टीचर्स अफोर्डेबल मंथली फी वी आर टीचिंग ट्वेंटी फोर आवर्स ऑडियो एंड वीडियो लेसन ऑन डेली बेसिस satisfaction on completion of your course no age limitations basic qaeda memorization of quran holy quran with rules tajweed translation and tafsir namaz Kalimas, dua five-day free trial classes whatsapp number 92305 699 2192 skype number 92341 1496 126 email learn quran 787 at gmail.com Skype ID Lareb Online Quran Academy